मैं ब्लॉग कहूँ या फिर सीरीज कहूँ, क्योंकि आज से है ना, मतलब मेरी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज जो फर्स्ट डे है, तो पहले तो हम लोग बाहर नोतने गए थे, तो मैं उसकी क्लिप डाल दूंगी आपको, क्योंकि मैंने वहाँ पर व्लॉग ऐड मतलब व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम को एंजॉय करना चाहती थी, तो मैंने वहाँ पर कोई व्लॉग नहीं शूट किया, बस मैंने क्लिप्स लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन सेकेंड जो आज से स्टार्ट है वो है, हमारे यहाँ पर मिट्टी लेके आते हैं, चूल्हे वूल्हे बनते हैं, सो कुछ ऐसा है, तो वो भी मैं क्लिप्स डाल दूंगी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती और भाई भाई सब बिजी थे, तो मैं भी वो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डाल दूंगी, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। सो आज से हमारे फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, सो हमारी मिट्टी आ चुकी है वैसे, एंड अब हमारा जो होने वाला है थर्ड फंक्शन होने वाला है, वो है लगन सगाई। सो यहाँ पर मेरा लगन लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कल को छोड़कर परसों को 21 को लिखा जाएगा। सो आपको ना मतलब मैं बोलूंगी नहीं, बट मैं सब कुछ शूट करूंगी, दिखाऊंगी, क्योंकि यार ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉपर सीरीज होने वाली है। सो शादी तक सीरीज चलेगी, लगन सगाई की, हल्दी की, मेहंदी एंड संगीत, कॉकटेल पार्टी एंड बैचलर पार्टी, जो भी हम लोग करने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी एंड शादी। सो बाद में है ना, मैं आपको फिर है ना कुछ टाइम बाद, जब मेरी जो फोटोग्राफर है जो वीडियो शूट करेगा ना, जब वो बना देगा, तो मैं प्रॉपर आपको यूट्यूब पे मैं ना शेयर कर दूंगी, सो अपलोड कर दूंगी, तो आप जरूर देखना। सो अभी शादियों में तो जितना हो सकेगा मैं कैप्चर करूंगी, क्योंकि यार सब बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, सो जितना भी हो पाएगा मैं शूट करूंगी। एंड वो कुछ दिन हो रहे इस रूम में मैं वीडियो बनाऊंगी मुझे अपनी हल्दी एंड मेहंदी का, खुद ही मैं रेडी होंगी, मैं नहीं जाऊंगी बाहर मैं खुद ही, क्योंकि हम लोग लगन सगाई के बाद है ना, मतलब कि लगन सगाई के बाद तो मैं जा सकती हूँ, हाँ जब बाल लग जाते हैं उसके बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि फैमिली ने साफ मना कर दिया, तो मुझे खुद से ही रेडी होना पड़ेगा, तो उसका मजा और अलग है। सो अभी है ना मतलब दो फीलिंग मिक्स हो रही है, मतलब खुशी भी और दुख भी। सो कोई बात नहीं यार, सबके साथ ही होता है, तो नॉर्मल सी बात है, सबकी शादी होनी होती है। सो अभी जस्ट मैं पैक कर रही हूँ अपना सामान, और कल से हमारे घर की डेकोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और फैमिली मेंबर्स गए सब आने वाले हैं कल से, तो आज छोटा मोटा जो सामान है, जो चीजें हैं, वो मैं कर लेती हूँ, इसलिए मैंने आज से ब्लॉग स्टार्ट किया है, जिससे ना मैं आपको सारी चीजें पहले बता देती हूँ, जिससे फिर आप कंफ्यूज ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट मैं बताती रहूंगी कि आज हल्दी है। सबका व्लॉग मैं सोचूं कि सेपरेट करूं, जैसे लगन सगाई का व्लॉग है वो मैं सेपरेट करूं, जो भी मैं लगन सगाई, हाँ मैं जिस दिन मेरा लगन लिखा जाएगा उस दिन मुझे स्टूडियो भी जाना है, नेल्स कराने जाना है अपना, एंड कुछ छोटा मोटा चीज और करा के आनी है, तो वो जितना भी होगा मैं शूट करूंगी और अपलोड कर दूंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग फिर हल्दी का शूट करेंगे, हल्दी पे मतलब बान वान लगते हैं, हल्दी लगती है, फिर वो करने के बाद फिर हम लोगों का बैचलर पार्टी है, हम लोग बैचलर पार्टी करेंगे, उसको व्लॉग में डालूंगी, हम लोग क्या पहन रहे, क्या हमारी प्रिपरेशन है, सब मेरी सिबलिंग्स, मेरी ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं, तो अभी मुझे कुछ आइडिया उन लोगों ने क्या सोचा है, बट मैं तो जस्ट गेस्ट की तरह जाऊंगी। देन उसके बाद हमारी मेहंदी है एंड शाम को संगीत है, तो मेहंदी और संगीत का ब्लॉग एक ही आएगा, क्योंकि वो एक ही दिन है, एंड आप लोग एंजॉय करना। सो देखते हैं जितना जितना शूट होता है और कैसे कैसे होता है, मैं फर्स्ट टाइम है ना, तो बहुत डर रही हूँ, मतलब कैसे कैसे अपना मुझे इन्जॉय भी करना है, सबसे मेन बात है कि मुझे अपना इस टाइम को इन्जॉय भी करना है, तो मैं ज़्यादा मतलब कैमरे के चक्कर में नहीं रहूँगी, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम को इन्जॉय करना है, जितना हो पाएगा मैं कैप्चर करूँगी। सो मान को पैक कर लेती हूँ, और आप पिम्पल देखो मेरे फेस पे, यार ऐसी टाइम पे ये सब कुछ हुआ है ना, मतलब कि पेंट होने, जैसे हमारे घर में पेंट स्टार्ट होना उससे एक दो दिन पहले ही, मतलब एक दो दिन बाद ही, तो मुझे पिंपल होने लग गए थे, एंड आप देख सकते हो मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा है अभी, सो डॉक्टर ने सब कुछ मेरा खाना बंद कर रखा है, मैं बहुत कम खा रही हूँ, मतलब मीठा एंड ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खा सकती, मतलब ये सब कुछ दवाइयाँ चल रही है एंड क्रीम्स फेस वॉश सब कुछ मेरा चेंज हो गया, सो एकदम से हुआ है, नहीं तो मेरे बिल्कुल ये पिंपल्स है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ऐसी एलर्जी इन्फेक्शन हुआ है ना फेस पे, तो यार अब कुछ नहीं कर सकते इसका, तो मैं ज़्यादा सोच के ना खुद को फिर उदास करना होता है कि यार ये सब कुछ कैसे, इसलिए मैं सब कुछ ये इग्नोर कर रही हूँ। सो इग्नोर करते हैं, आप भी इग्नोर करो और मैं भी इग्नोर करूँ, तो भगवान करे मेरी शादी तक थोड़ा सा ये हल्के हो जाए, और देखते हैं। सो अब मैं आपको दिखाती रहूँगी छोटी छोटी जो भी चीज़ें घर पे होती है वो सब मैं शूट करूँगी, एंड कल से हमारी डेकोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी कैसी हो रही है। सो पहले घर की होगी, उसके बाद हल्दी मेहंदी की होगी, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। सो अभी के लिए बाय।
येलो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, येलो और पिंक कलर। ये चप्पल भी छप कर मेरे दीजिए, मैं यार ये भी लाओ जा अपना, दूसरे भी लाओ, साड़ी भी पहन ले। गाइस देखिए अभी हमारे यहाँ पे लगन दिखा जा रहा है, तो आप देखते रहिए, हर चीज का अपडेट देता रहूंगा आपको। ये हमारे बारह के कुछ चुनमुन से ये सिस्टर जिसका भी आया है। हे गाइस चलो ये हमारे भैया आ चुके हैं, देखिए इन सबको ये तैयार होने जा रहे हैं। ये देखिए अरे मम्मी यार दो मिनट रुको, उनके नाम पूछ रहे एक बार। ये हुआ है दूसरे भाग में देख रहा है छोटा सा आठ दस पर दिन है आए सब, यहाँ पर अच्छा फंक्शन चल रहा है, देखते रहना। निक्की दीदी की शादी के लिए पूरा सच हुआ है, थोड़ी सी वही रह रही है, और ये निक्की दीदी की गाड़ी है जो जाएगी दीदी के साथ। देखिए ये गाड़ी है निक्की दीदी की, तो निक्की दीदी के साथ जा रही है, लुकिंग गुड। कैसे क्या घूमोगे? ఓం గంగాయ నమ జమునాయ నమ సరస్వతి నమ జగదాంబికాయ నమ తులసి నమ ఓం కీశ్వర నమ శ్రీ మాధవ నమ శ్రీ నారాయణ కెమెరామెన్ నిఖిల్ కెమెరామెన్ నిఖిల్ ఓం హరి ఓం ఆవాహయామి స్థాపయామి ధ్యాయామి తత్ నమస్కారం కరోమి మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గణరత్తుజయ మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళం తనువరి ఓం శాంతాయకారం భుజభూషణం పద్మనాభం శ్రీశ్వరం యశోధారం గగనచదర్శనం మేఘవాణ సుమాంగ్యం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగధాన గమ్యం బంద मम्मी को बता, मम्मी को बता। उनको अगर दिखा दिया ना, अगर उनको दिखा दिया सोच मेरे व्यूज कितने बढ़ जाएंगे। लोग चल जाता अंदर दीदी, चला वो तो मेरा कैमरा रुक गया, मैं तो वहीं डल जाती। दीदी मैं 25 को आऊंगी, तो बी रेडी और मैं भी रेडी, ठीक है ना? सब कुछ हेलो कर दो आप भी, और आप भी हेलो कर दो मेरी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट। वैक्सिंग और सब कुछ तो हो गया, बस अब मेरे नेल आर्ट बच रहे हैं और मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है, और बस एक दो चीज़ें और करानी है। सो अभी हम लोग अपना सामान निकाल रहे हैं,
सुंदर से नेल आर्ट होंगे आज तो, पूरा देखना ऑयल ऑयल लगा हुआ है हाथ में। अब मैं सीधा अपनी शादी के दिन आऊंगी रेडी होने के लिए। तुम लोग अपना पूरा बोरी बिस्तर उठाते हुए। एंगेजमेंट वाले तो इतने सुंदर लग रहे थे ना, सब ने पूछा कहाँ से कराए कहाँ से कराए कहाँ से कराए। मैं कहा दीदी ने भी स्टार्ट कर दिया अब करने। कैमरा में भी ना हाथ लग जाते ना तो ब्लर आता है फिर। हो गए मेरे नेल्स, कितने सुंदर लग रहे हैं। पास में सब्जी वाला है। अरे क्यों नहीं आ रहा। अब ज़ूम हुआ है। क्या कुछ यार लहसुन प्याज देखा? नहीं बाहर। प्रिटी प्रिटी प्रिटी। पता नहीं सारा फोन में ना कुछ लगा हुआ है। अब यहाँ पर सही आ रहे हैं यार, ऊपर तो पूरे हाथ ब्लैक ब्लैक से हो रहे थे, राइट रिफ्लेक्ट का हो रहा था ना फोन में, लगता है अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ रेड कलर का लहंगा, चेरी रेड। जब भी दिखाऊंगी शादी के दिन ही लेंगे सबको। बस कर दो यार अब मेरा मैनीक्योर पेनीक्योर जल्दी से। मैनीक्योर क्या होता है मुझे डिफरेंस बताओ। हाथों का भी है थोड़ा, ये पीछे की तरफ करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि अब यूज हो गए। हाँ दोनों ही है। और थोड़ा सा ना मेरे हाथ पे थोड़े से हेयर रह रहे हैं, वो थोड़े से वैक्सिंग से कर दो। क्या बढ़िया टिंग 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 देख लेते हैं। नेल्स देखो मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना। या मैं हमेशा ऐसे नेल्स की लाती हूँ जो इतना टाइम लगाते हैं। इस मास्क के पीछे कौन है। ना ना अब तो पानी है ना नॉर्मल हो गया। अब पानी नॉर्मल हो गया। ज्यादा ठंडा तो नहीं हुआ। हाथ देना एक बार हाथ दो। सही हो गया। तो दावत तो हमें खानी थी तुम्हारे से। मैं क्या नहीं चाह रही हूं। वो तो दीदी मंगा ली। वो तो चाउमीन तो दीदी मंगा ली। किसको क्या खाना है यहाँ बताओ। चाउमीन शादी है परसों को शादी है, सब शादी में आना रसगुल्ले चाउमीन वगैरह खाने। नहीं यार मैंने सबको बोला है दीदी को कार्ड में। अभी बताओ यहाँ 20 है तो 20 कार्ड मेरे कम हुए। हाँ नहीं मैं तुम्हारी तुम्हारी ओनर ने आना सब आना मेरी शादी में चाउमीन बर्गर पिज्जा जब सब कुछ खा के जाना ठीक है ना। हाँ पिज्जा विज्जा तो नहीं है पता है। पिज्जा की जगह पाव भाजी है और पनीर इसमें। हाँ अभी निक्की दीदी का यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होएगा, हम इंतजार कर रहे हैं, सब खाना वाना खा रख रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ है हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और ये परवेश चाचा यहाँ बैठे हुए हैं बैग के साथ, इसमें हमारा सारा सामान रखा हुआ है। और पापा वापा इधर घूम रहे हैं और बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। पानी पीजिए आप। आप बोलो आप क्या कह रहे हो। बोलो बोलो क्या कह रहे थे कि अभी तुम लोग क्या कर रहे हो। ये 50 लोगों की लाइक करी है। किस चीज की तैयारी चल रही है। ये पैसे मांगने की। अबे पागल है क्या। अब तुम बताओ अभी हम पैसे मांगने के लिए खड़े रहेंगे इनको तो पैसे मिल जाएंगे। हाँ। तो हम इनके भाई जो खड़े होंगे हम ये पोस्ट ला के यस यस रिस्पेक्ट तो अरे हम हमारा ये भी रिस्पेक्ट इफ यू वांट योर देन प्योर मिस्टर जूते वही तो यार ये हो जाएगा पूरा। हां हम
प्राइसलेस बहन दे रहे, इतना प्राइस तो आ सकता है ठीक है ना। ओके चिट्स नहीं रख रहे हो, जूते इन्होंने चुराए हैं, बड़ा सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, नहीं क्या कर रहा मेरा रिपोर्ट, इसको मैं कल पोस्ट कर दूंगी, रिकॉर्ड करो बोलो। जूते हम चुराए, पैसे इनकी झोली में डाल दो। और नहीं तो क्या, बहनों को क्या हो गया, भाइयों का भी आ गए होता है, यार 500-500 रुपए इनको भी बनता है। तो गाइस अभी हम थोड़े आराम कर रहे हैं, आपको दिखाते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का दिखाएंगे जब हम ये सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। और ये हमारे सारी सूचनाएं टाइम पे मिलेगी, तो इतना आप लोग आराम कीजिए, बाय बाय टाटा।